नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हर रोज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें खूब पॉलिटिकल गपशप होता है, पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं, राजनीति से भरपूर। इस वीडियो की शुरुआत हम आज करें, लेकिन उससे पहले मैं गणेश जी हमारे साथ हैं और बात होती है। आज दो तस्वीरें मैं देख रहा हूं कि आपके टेबल पर भी रखी हुई थी और मैं स्क्रीन पर भी हम दिखा देते हैं दोनों तस्वीरों की। एक तस्वीर मैं दिखाता हूं। मैं चाहता ये हूं आलोक जी कि पहले पहली तस्वीर दिखाएं, ठीक है ना? दिखाएं और हमारे दर्शक जो है ना वीडियो के अंत तक बने रहे, दूसरी तस्वीर को हम बीच में दिखाएं, बीच में दिखाएंगे, लेकिन ये जो और एक दूसरी तस्वीर को हम जोड़ेंगे। देखिए, पहली तस्वीर हमारे दर्शकों को स्क्रीन पर दिखनी शुरू हो गई है। बहुत सारे चेहरे इसमें जाने पहचाने, तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है। नहीं, मेरे पास जो तस्वीर है सामने वो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर कलर है, ठीक है ना? पहचानी हुई तस्वीर है। नहीं, बिल्कुल पहचानी हुई तस्वीर है और स्क्रीन पर चल रही तस्वीर को देखिए। ये बिहार के बाहुबल की दुनिया की बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है। तस्वीर में चेहरों को पहचानिए। चेहरे कौन? अनंत सिंह। यदि हम बाएं से चलें तो अनंत सिंह है, मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह। साथ में उनके सबसे नजदीक कौन बैठे हैं? लल्लू मुखिया। हाल ही में बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। हाँ, अब दुश्मन हो गए हैं, लेकिन जिस वक्त की ये तस्वीर है तब दोस्त है। तीसरे कौन है? मोकामा वाले ललन सिंह, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी नीलम देवी के खिलाफ अभी उपचुनाव में। हाँ, सोनम देवी, ठीक है। चौथे कौन है? सूरजभान सिंह। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। और पांचवे कौन है? थोड़े कम लोग जानते होंगे, संजय सिंह, ठीक है ना? तब जबकि तस्वीर है सूरजभान सिंह के साथ थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ नीलम देवी बनाम सोनम देवी का, तब ये अनंत सिंह के साथ थे। अब देखिए यह तस्वीर जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, आज हम क्यों दिखा रहे हैं? हमने कहा भी कि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन बाहुबल की दुनिया की दुर्लभ तस्वीर है। जब आपको एक तस्वीर में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों दिख रहे हैं बराबरी से बैठे हुए, यह तस्वीर मोकामा की है। जब यह तस्वीर आज सुबह से वायरल होनी शुरू हुई तो हमने पता किया कि यह तस्वीर कब की है, तो लोगों ने बताया कि यह तस्वीर मोकामा में तब की है जब एक कार्यक्रम था मारवाड़ी स्कूल के मैदान में रावण वध का, ठीक है ना? तो देखिए आज यह तस्वीर क्यों वायरल हो गई। यह तस्वीर किसी और प्लेटफॉर्म से वायरल की जाती तो ज्यादा शोर न होता, लेकिन देखिए ट्विटर पर एक ट्विटर हैंडल है जो अनंत कुमार सिंह के नाम से है, ठीक है ना? और हिंदी में लिखा है अनंत कुमार सिंह, और उस ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वहां आज सुबह अपलोड किया गया। अब देखिए अनंत कुमार सिंह के ट्विटर हैंडल पर वो तस्वीर अपलोड की जाए जिसमें बराबरी से सूरजभान सिंह बैठे हैं, समझ से परे हैं, ठीक है ना? देखिए हम बातचीत करना चाहते तो किससे करते? अनंत कुमार सिंह जेल में है, उनसे बातचीत संभव थी नहीं। हमने सुबह सूरजभान सिंह से बातचीत करने की कोशिश की, उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ मिल रहा था। तो हम ये मानते हैं कि अनंत कुमार सिंह, देखिए वे तो स्वयं ट्विटर चला नहीं रहे होंगे, वो तो जेल में है, जेल में है, और ऐसे भी इतना वे नहीं समझते हैं, साफ साफ वाली बात समझते हैं। लेकिन जो भी इस ट्विटर हैंडल को चला रहा है, मैंने पहले के पोस्ट भी देखे तो ये लगता है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है और अनंत सिंह के दिमाग को बहुत गहरे से समझता है। मैसेज देने की कुछ कोशिश की गई, मैसेज देने की कोशिश की गई है। और क्यों मैंने कहा कि देखिए इसमें जिस हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है, क्या हैशटैग का इस्तेमाल किया गया? मोकामा बिहार, हैशटैग बिहार न्यूज, हैशटैग छोटी सरकार, हैशटैग सूरजभान सिंह। देखिए सूरजभान सिंह तक भी पहुंच जाए यह तस्वीर, इसके लिए, या फिर सूरजभान सिंह को जो सर्च करने वाले लोग हैं। और कब यह तस्वीर वायरल की गई? 2024 के चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं, 29 जून को जब अमित शाह मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लखीसराय में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं गांधी मैदान में, ठीक है। गांधी मैदान के इतिहास के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू किया है, गांधी मैदान लखीसराय के इतिहास में, कि वहां सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में संबोधन कभी विजय नहीं दिला पाता है। खैर चलिए उन बातों पर नहीं जाते हैं, लेकिन
सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के रिश्ते क्या हैं यह आपको पता है, दुनिया को पता है जी। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं जी। इस तस्वीर में जो आपको दिखाई पड़ रही है दोनों साथ बैठे दिख रहे हैं और उनके अंगरक्षक जो हैं पीछे पीछे बैठे दिख रहे हैं, खड़े खड़े दिख रहे हैं। तो यह तस्वीर मुंगेर लोकसभा के चुनाव को क्या जोड़ती है? बड़ी बात है, क्योंकि अनंत सिंह आपको पता है 2019 में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया था जे। और 2014 में बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी ने ललन सिंह को चुनाव हरा दिया था एलजेपी के टिकट से। एलजेपी के टिकट से देखिए, ललन सिंह ने तो चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, लगातार क्षेत्र में है। और ललन सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र के हर बूथ के फूल कांटे दोनों को जानते हैं, कौन फूल है कौन कांटा है। और ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ पाना आसान नहीं होता है, लोगों ने अपनी नियति देखी है। इसलिए हम ये भी कहते हैं, बार बार लोगों को बताते हैं कि ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पहलवान आसानी से तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अचानक से ये तस्वीर वायरल हो जाती है, आज सुबह। कब की तस्वीर है? बहुत पुरानी तस्वीर है। और अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के एक साथ होने की शायद यह अकेली तस्वीर है, ठीक है ना? तो ये तस्वीर वायरल हो जाती है। अब देखिए, क्या यह माना जाए? अनंत सिंह आजकल किससे नाराज चलते हैं यह भी सभी को पता है। अनंत सिंह के रिश्ते आपको सच में बताएं तो एमएलसी कार्तिक सिंह से भी आज की तारीख में खराब हो गए हैं। जो जिन्होंने एमएलसी बनाया था जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं ना। और संबंध ठीक नहीं चल रहा, संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना? यह आप जान लीजिए। पिछले साल तो एक बार कोर्ट में भेंट हुई थी, तो साथ में थे। नहीं, साथ में थे। देखिए, अनंत सिंह कभी खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में खटास है रिश्ते में, ठीक है ना? और सूरजभान सिंह, देखिए सूरजभान सिंह ने 2019 का चुनाव मुंगेर छोड़ दिया, एनडीए अलायंस था, और चंदन सिंह अपने भाई को नवादा से चुनाव लड़ा दिया, जीत भी गए। अब देखिए, आपको हम दूसरी तस्वीर पर ले चलते हैं। दूसरी तस्वीर, हाँ, हमारे दर्शक दूसरी तस्वीर को देखें। भाभी और देवर? नहीं, भाभी और देवर के रूप में आप तो बिल्कुल सामान्य इसे परिभाषित कर, लेकिन दोनों ही नेता है, वीना देवी हैं, साथ में नित्यानंद राय भी हैं जी। पुरानी तस्वीर? नहीं नहीं, पुरानी तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर कल की तस्वीर है, ठीक है ना? ये तस्वीर 26 जून 2023 की है और यह तस्वीर मोकामा के मैकडोनल्ड गेस्ट हाउस की है, ठीक है ना? अब इस तस्वीर ने और सनसनी बढ़ा दी, क्योंकि वीना देवी हैं जो सांसद रही हैं। और नित्यानंद राय कल क्यों पहुंचे हुए थे मोकामा के मैकडोनल्ड गेस्ट हाउस से, इस बात को भी समझिए। मैकडोनल्ड के गेस्ट हाउस में ललन सिंह है तो, हाँ, ललन सिंह से पारिवारिक रिश्ते वो अलग चीज है, लेकिन कल जो मैकडोनल्ड के गेस्ट हाउस में नित्यानंद राय पहुंचे थे, वह अमित शाह के आने की तैयारियों की व्यवस्था करने को पहुंचे थे, कौन कितनी जिम्मेवारी उठाएगा। और इस तस्वीर को आज मोकामा वाले ललन सिंह, देखिए साथ में हम स्पष्ट करना चाहते हैं, मोकामा वाले ललन सिंह वही देवर हैं, बीना देवी के साथ हैं और नित्यानंद राय हैं, तो उन्होंने ही कल रात इस तस्वीर को फेसबुक पर पोस्ट किया था। तो मुझे रात से ही लगा और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। देखिए, बीजेपी चाहती है कि बीना देवी फिर से मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ लें 24 में ललन सिंह के खिलाफ, हाँ, लेकिन सूरजभान सिंह इस बात के लिए तैयार अभी नहीं है, मेरी जानकारी तो यही है। और सूरजभान सिंह चाहते हैं कि चंदन सिंह जो उनके भाई हैं वे ही नवादा से चुनाव लड़ें। तो ये तस्वीर जब आई कि आखिर जो चर्चा है बीना देवी के बारे में, क्या बीना देवी बगैर सूरजभान सिंह से अनुमति प्राप्त किए, बगैर सहमति प्राप्त किए नित्यानंद राय से मिलने को चली गई? नहीं, दोस्ती होगी तो घर चले गए। देखिए, नित्यानंद राय और सूरजभान सिंह में पारिवारिक संबंध है, लेकिन कल अमित शाह की तैयारियों को लेकर बैठक थी। और यदि हम पार्टी की बात भी करें तो लखीसराय में जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है। आपको पता होगा कि अमित शाह ने नवादा में भी मीटिंग की थी, वो भी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए उस मीटिंग में शामिल होने के लिए वहां के सांसद जो रालोचपा के सांसद है चंदन सिंह नहीं गए थे। लेकिन कल बीना देवी पहुंच जाती है। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की, लोगों से पूछताछ की, पता करने की कोशिश की, तो मालूम ये हुआ
कि बीना देवी कहीं से आ रही थी और जब उन्होंने गेस्ट हाउस में देखा कि इतनी भीड़ लगी हुई है, नित्यानंद जी आए हुए हैं, तो नित्यानंद जी से तो उनके रिश्ते हैं ही। तो देखिए ये सारे जो प्रकरण है, ये जो तस्वीरें हैं, ललन सिंह निश्चिंत है, ये मुलाकात हो रही है कि बस यूं ही मुलाकात तो नहीं है? नहीं, यूं ही मुलाकात नहीं है, ये देखिए बात सही है, लेकिन इस बात को समझिए कि ललन सिंह से सबके रिश्ते रहे हैं और सबके रिश्ते हैं, ठीक है ना। अनंत सिंह से अच्छे रिश्ते भी रहे, खराब रिश्ते भी हुए, फिर ये भी आपको पता है, फिर अच्छे हो गए, नहीं अच्छे हो गए बुरे हो गए इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो रिश्ते कभी बहुत अच्छे थे लेकिन चुनाव में रिश्ते खराब हुए, फिर क्या क्या हुआ यह भी आप जानते हैं। लेकिन हमने एक शब्द को कहा कि ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के हर बूथ के फूल कांटे को जानते हैं और जो उनके खिलाफ लड़ने आएगा उन्हें इसी तरीके से हर बूथ का फूल कांटा जानना होगा। उम्मीदवारी में चर्चा किसकी किसकी होती है, कई लोग तो अब से यह कयास लगाना शुरू करते हैं कि नहीं आखिरकार विजय कुमार सिन्हा को ही चुनाव लड़ना होगा ललन सिंह के खिलाफ, जो अभी नेता विरोधी दल है, जो नेता विरोधी दल है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, लखीसराय में अमित शाह भी रहे, जो उनका क्षेत्र है, जो उनका क्षेत्र है। तो विजय कुमार सिन्हा, ललन सिंह सब तरीके से प्रभावी हो जाते हैं, समझे ना, एक एक व्यक्ति को जानना, ताकत से भी, सरकार से भी, आर्थिक रूप भी, नहीं सब, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, हाँ सभी तरह से जानते हैं। वहां का मुकाबला, और आपने देखा भी कि जब वे भोज कर रहे थे, मांस भात की पार्टी कर रहे थे, मटन चावल की पार्टी कर रहे थे, तो हजारों हजार लोग, और ललन सिंह दुश्मन को दोस्त बना लेना और दोस्त को दुश्मन बना लेना यह भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ललन सिंह के खिलाफ लड़ाई बड़ी है, इस बात का एहसास तो बीजेपी को भी है, इसलिए वहां अमित शाह को आना पड़ रहा है। और आजकल ललन सिंह लगातार ललकार भी रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, और नीतीश कुमार जो विपक्षी एका के अगुवा हैं, जब वे कहीं जाते हैं तो साथ में ललन सिंह होते हैं, समन्वय का काम करते हैं। आज की तारीख में आंख कान नाक सब ललन सिंह है। तो इन तस्वीरों से देखिए, पहली तस्वीर फिर से हमारे वीडियो एडिटर दिखा देंगे, यह तस्वीर जो आज अचानक वायरल की गई है, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो है, क्योंकि मैसेज देने की कोशिश की, मैं फिर वही कहूं, हाँ, क्योंकि वो संदेश दिया जा रहा है अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की एक साथ तस्वीर, वह भी अनंत सिंह के ट्विटर हैंडल से, क्योंकि लोग जानते हैं दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है। आप समझा नहीं रहे हैं कि समझने वाले सब समझ रहे हैं? नहीं, समझने वाले सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि मुंगेर इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे। नहीं, कोई भी, कोई भी जो सोच रहे हैं जीत जाएंगे, मुंगेर इतना आसान नहीं है। और फूल कांटों की पहचान में जो भारी पड़ेंगे वे ही वहां के सिकंदर होंगे, ठीक है ना। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और मुंगेर अभी कई सारे दृश्य दिखाएगा, ठीक है ना, कई सारे दृश्य दिखाएगा, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे मैंने इस तस्वीर में दिखाया ना कि अनंत सिंह के बिल्कुल करीब बैठे हैं लल्लू मुखिया, आज की तारीख में दुश्मन है तब दोस्त थे, उधर सूरजभान सिंह के करीब बैठे हैं मोकामा के संजय सिंह, तब दोस्त थे आज दुश्मन है। तो वहां दुश्मन और दोस्त, और मोकामा से लेकर बरहिया तक या आगे लखीसराय तक, क्या इस फोटो से संदेश देने की कोशिश की जाए कि कुछ काया पलट होने की संभावना? नहीं, काया पलट क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, अमित शाह को बोल लेने दीजिए वहाँ, हाँ तब वहाँ पता चलेगा। और उस कार्यक्रम में आते कौन कौन, ये भी देखना होगा, देखना होगा, ये देखना होगा, क्योंकि देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, बयां करती हैं, और इन तस्वीरों को इस वक्त लाना, इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना, ये अपने आप में कुछ ना कुछ इशारा कर रही हैं, कुछ संदेश दे रही हैं। हालांकि हमसे बेहतर जो मुंगेर के लोग हैं, जो मुंगेर लोकसभा के लोग हैं, वो समझ रहे होंगे बेहतर कि संदेश क्या दिया जा रहा है। और कल जब नित्यानंद राय भी थे, मुलाकात हुई है बीना देवी से, चर्चा काफ़ी कुछ है, क्या कमल छाप से इस बार किस्मत आजमाई जाएगी? हालांकि सूरजभान सिंह तैयार, लेकिन एक बात फिर से हम कहते हैं, ललन सिंह से लड़ना कठिन काम होता है, बाकी लोग बाहुबल के लिए जाने जाते हैं, ललन सिंह के पास सभी तरीके का बल है, होम्योपैथिक इलाज भी करते हैं, अब तो एलोपैथिक इलाज भी कर देते हैं, इलाज दोनों तरह का वो करते हैं, तो खैर उनसे लड़ना भी कठिन काम है, ये बात भी सही है। आप लाइपसिक साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइपसिक को फॉलो करें। धन्यवाद।